अस्सलाम वालेकुम, पाक वतन टीवी के साथ मैं हूं अदीबा हुसैन। सबसे पहले हेडलाइंस। मार्केट्स खोलने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिसाली करार, मुल्की मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा, जावेद भट्ट का बयान। ताजर बिरादरी को रिलीफ, अवाम को भी सहूलत मैसर आएगी। अदलिया के हुक्म पर बिजनेस कम्युनिटी 5 एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेगी। 24 घंटे कारोबार की इजाज़त और ताजरों को बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएँ ताकि कारोबार में बेहतरी आ सके। सदर मरकजी अंजमन ताजरान गुजरात। पीटीआई करप्शन खात्मा का नारा लगा कर आई, मुल्क लूटने वाले जल्द सलाखों के पीछे होंगे। उस्मान मंजूर दुदरा, चोर लुटेरों का हर सूरत एहतसाब होगा, मुल्क लूटने वालों से पाई पाई वसूल की जाएगी, ऐसा ना हुआ तो तहरीक दम तोड़ जाएगी। तहरीक इंसाफ के दौर में भी करप्ट लोगों का सफाया ना हुआ तो फिर कभी भी नहीं हो सकेगा। करप्शन के नासूर का खात्मा के बगैर मुल्की तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी जनरल सेक्रेटरी और वजीर आला पंजाब शिकायत सेल जिला गुजरात चौधरी उस्मान मंजूर दुदरा का बयान। आसिफ जरदारी मुकम्मल सेहत याब, कोरोना से बचाव के लिए करंटीनिया किए हुए हैं, मेरी फोन पर बात होती रहती है, कमर जमान कायरा का बयान। कोरोना ने दुनिया बदल डाली, ईद के बाद तब्दीली सरकार का भी चल चलाओ होगा। वजीर आजम पहले दिन से ही लॉकडाउन के हामी नहीं, सिंध हुकूमत के एक्शन के बाद लॉकडाउन पर मजबूर हुए। हुकूमत को सपोर्ट करने वाली कुवतें भी अब परेशान हैं। मईशत में ओवरसीज का बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट में पाकिस्तानी बेरोजगार हो गए, बाहर से पैसा आना बंद हुआ तो खुशहाली ना रहेगी। अकबर एम्पायर की दरसर खान पर गुफ्तगू। लॉकडाउन के दौरान मुस्तहकीन में 10 करोड़ से ज़ायद के फंड तकसीम कर चुके चौधरी बिलाल परवेज। महकमा ज़कात ने गुजारा अलाउंस की मद में 4,33,00,000 दिहाड़ीदार तबके के लिए स्पेशल फंड 5,76,000 रुपये तकसीम किए। मजदूर अफराद को ईदी अलाउंस दिया जाएगा। मुश्किल वक्त में अवाम के मसाइल हल करवाने के लिए किसी भी इकदाम से गुरेज नहीं करेंगे। ज़िलाई चेयरमैन ज़कात उशर कमेटी गुजरात।